फ्रेंड, अब आप घर बैठे ए टू जेड कंप्यूटर का नॉलेज ले सकते हैं, वो भी सर कुंदन के साथ। तो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेकर के आए हुए हैं क्लास 9 सेक्शन ए वी लेसन 7, और आज का टॉपिक है सो स्टूडेंट कैलकुलेटर। तो चलिए आज हम लोग कैलकुलेटर सीखते हैं। सो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो क्लासेस है वो लेसन वाइज हम क्लासेस लेते हैं, और पर डे जो है वन एक टॉपिक हम क्लियर कर देते हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे डेली जो है क्वेश्चन आंसर बना करके भेजते हैं। तो चलिए इसी तरीके से हमारे वीडियो को देखते रहिए स्टूडेंट, और नॉलेज लेते रहिए। चलिए फटाफट कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं और आज का टॉपिक हम लोग सीखते हैं। सो जैसा कि आपको स्टूडेंट पता है, हमारा कंप्यूटर चैनल का नाम है कंप्यूटर इडियो डॉट कुंदन, और कंप्यूटर गुरु कुंदन कुमार के साथ यूट्यूब फ्री बेसिक कंप्यूटर क्लासेस आप सीख सकते हैं। आई होप स्टूडेंट, हम आपको ये बताना चाहेंगे, जो भी हमारे इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है उनसे हम आग्रह करेंगे कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन साथ में दबा दें। सो स्टूडेंट, बेल आइकन हम इसलिए बोलते हैं कि आपको जो भी हमारा जो नया वीडियो है वो नोटिफिकेशन मिलते रहेगा आपको, और आपको हमेशा नॉलेज गेन करने के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। सो आई होप स्टूडेंट, बेल आइकन आप जरूर दबाएं और कमेंट जरूर करें स्टूडेंट। तो चलिए फटाफट कंप्यूटर सीखते हैं सर कुंदन के साथ। तो चलिए आज का टॉपिक लेकर के आए हुए हैं हम आपके लिए कैलकुलेटर। तो आई होप इसको देखिए, सुनिए आप लोग। तो चलिए स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि राधा जरा 9955 को 520 से गुना तो करना। तो राजा, मैं अभी एक पत्र लिख रही हूँ, मोहित जरा अपने कंप्यूटर पर कैलकुलेटर की विंडो जरा खोलना। तो कैलकुलेटर क्या, कंप्यूटर में कैलकुलेटर भी है? तो आई होप जैसे ये राधा है, इसने एक को बोलता है, तो राज बोलता है कि मैं अभी एक लेटर लिख रहा हूँ, और दूसरे को बोला कि कैलकुलेटर क्या, कंप्यूटर में कैलकुलेटर भी होता है, परंतु राधा मुझे तो पता ही नहीं उसे कैसे खोलते हैं। तो चलिए, सो स्टूडेंट, जब से मोहित को पता चला कि उसके कंप्यूटर में कैलकुलेटर भी है, तब से वह उसे जल्दी से जल्दी चलाना सीखना चाहता है। तो कैलकुलेटर स्टार्ट करने का स्टूडेंट टॉपिक है, जैसे सबसे पहले स्टार्ट पे क्लिक कीजिए, प्रोग्राम में जाइए, एसोसरीज में जाइए, कैलकुलेटर पर क्लिक कीजिए और फिर कैलकुलेटर खुल के आ जाएगा। सो आप देख रहे हैं, ये है स्टार्ट, ये है प्रोग्राम, ये है एसोसरीज और ये है कैलकुलेटर। आई होप स्टूडेंट, ये जो देख रहे हैं स्टार्ट और इस तरह का जो लिस्ट खुलता है वो विंडो एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम में और एक होता है स्टूडेंट विंडो 7 में। सो आई होप स्टूडेंट, ये जो आप देख रहे हैं आपको तो अच्छा लग ही रहा होगा, बट हम आपको बताना चाहेंगे ये जो वीडियो हम बना रहे हैं, जो हमारा जो है ये विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो विंडो 10 में क्या है फंक्शन स्टूडेंट, तो इस तरीके से नहीं निकलता है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, डायरेक्ट विंडो बटन दबा दीजिए, आपके सामने लिस्ट आ जाएगा और सी ए एल सी कर देंगे स्टूडेंट। तो देखिए कैलकुलेटर आपके सामने इस तरीके से शो हो जाएगा। तो ये है इसका प्रोसेस, ये है विंडो 10 में। और ये स्टूडेंट आपका, मान के देखिए कि रहता आपका एक्सपी रहता या विंडो 7 रहता, तो उसमें इस तरह का प्रोसेस रहता, बट ये विंडो 10 है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैलकुलेटर के बटन, जैसे इस तरह के कैलकुलेटर निकल जाएंगे तो सी का क्या यूज है, इससे कुछ पहले की गई गणना मिट सकता है, और बैक स्पेस इससे संख्या के आखिरी अंक मिट सकता है, और सी इसे दबाने से पूरा अंक मिट जाता है। आई होप वीडियो स्टूडेंट, ये जो है ना कैलकुलेटर, ये जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है, ये सबसे ईजी है। तो इसमें भी क्वेश्चन आंसर है, बट आपको उसको भी बना करके हमारे 6200390793 नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है, क्लियर? क्योंकि ये टॉपिक है, आपको ये चीज का जो लास्ट में आंसर क्वेश्चन आएगा उसको भी सॉल्व करना है। तो ये देखिए, ये तीनों बटन विंडो को क्रमशः मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज करने के लिए होता है। तो
कैलकुलेटर के संचालन कैसे होता है, जैसे दो संख्याओं को जोड़ना है आपको, तो सिंपली पहली संख्या पर क्लिक कीजिए और फिर उसके बाद प्लस दबाइए, पहली संख्या यानी नंबर पर क्लिक कीजिए फिर प्लस दबाइए, प्लस के चिन्ह पर क्लिक कीजिए फिर दूसरी संख्या दबाइए फिर इक्वल दबाइए। ये प्रोसेस है इसका, जैसे करके सिखाइए कैलकुलेटर पर गणना करने के लिए। जैसे 759 वो यानी वर्सेस 463 का योग लिखना है, तो योग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे हम आपको दो नंबर का योग करके दिखाते हैं। तो ये जैसे कैलकुलेटर है, जैसे पहले कोई अंक दबाइए 8, फिर उसके बाद प्लस, फिर उसके बाद 5, तब उसके बाद इक्वल, तो सो देखिए आंसर आ गया 13। तो ये है प्रोसेस, ये है इस तरीके से आप कैलकुलेटर में गणना कर सकते हैं। उसके बाद दो संख्याओं का घटाना है, तो बड़ी संख्या पर पहले क्लिक कीजिए, जो सबसे बड़ी हो पहले वो, और माइनस के चिन्ह पर क्लिक कीजिए, फिर छोटी संख्या लिखिए और फिर इक्वल टू कीजिए, ये आपका योग हो जाएगा। तो सिंपली आइए हम भी करके दिखाते हैं। जैसे हमको पहले इसको कैंसिल कर लेना है हमको लोगों को, ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर से जैसे हम लोग 450 माइनस 200 इसको इक्वल टू कीजिए, देखिए 250 हो गया। उसके बाद दो संख्याओं को गुना करना है, पहली संख्या पर क्लिक कीजिए फिर इनटू लगाइए फिर दूसरी संख्या पर क्लिक कीजिए फिर इक्वल कीजिए, जैसे यहाँ पे करके सिखाना है। तो इस अंक को लिखना है और इस अंक को लिखना है, आइए करके दिखाते हैं आपको हम। चलिए इसको कर लेते हैं, इसको पहले कैंसिल कर लीजिए, 9855 × 520 इक्वल टू, देखिए कैलकुलेशन हो गया। अब जैसे ये नंबर को घटाना है, सबसे पहले बड़ी नंबर को लिखिए 962 माइनस 469 इक्वल टू कर लीजिए, देखिए क्लियर स्टेट। उसके बाद दो संख्याओं का भाग देना है, तो बड़ी संख्या पर पहले क्लिक कीजिए फिर डिवाइड दीजिए फिर उसका छोटी संख्या फिर इक्वल टू कर दीजिए, जैसे ये इस नंबर को इस नंबर से भाग देना है। तो आइए, तो 1675 भागा 25 इक्वल टू कर दीजिए 67। क्लियर स्टूडेंट, आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये बहुत एक छोटा सा चैप्टर है सो स्टूडेंट, ठीक है, और बहुत ही इजी है। तो क्या आप जानते हैं, यदि कैलकुलेटर पर संख्याओं को क्लिक ना करने चाहे तो उन्हें कीबोर्ड से भी टाइप किया जा सकता है, ये बहुत बढ़िया है। चलिए आपको हम दिखाते हैं करके। तो जैसे आपको यहाँ से इधर साइड में जो कीबोर्ड रहता है न्यूमरिक कीबोर्ड, नम लॉक रहता है लिखा हुआ, उधर आपको सबसे पहले क्या करना है स्टूडेंट, नम लॉक को जैसे ही दबाएंगे आपके कीबोर्ड में एक लाइट सा बत्ती जल जाएगा, और अब यहाँ पर तब जा करके आप टाइप कीजिए, जैसे 16 देखिए लिखा भी रहा है 75 और डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कर देने के बाद 25 कर दीजिए और एंटर कर देंगे, सो आंसर देखिए आ गया स्टूडेंट। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ था, यानी आप माउस एक एक करके क्लिक कर रहे थे, आप जहाँ कीबोर्ड से भी इस तरीके से करेंगे तो वो भी नंबर लिखाएगा। जैसा कि एक बार हम फिर से पढ़ देते हैं, यदि कैलकुलेटर पर संख्याओं को क्लिक ना करना चाहें तो उन्हें कीबोर्ड से भी टाइप किया जा सकता है। तो चलिए स्टूडेंट, ये बहुत अच्छा लगा हम लोगों को, और आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा ही। सो स्टूडेंट, चलिए मेमोरी बाइट्स के बारे में हम लोग जानते हैं। कैलकुलेटर गणना करने के लिए उपयोगी सिद्ध होता है, और कैलकुलेटर पर योग, घटाना, गुना, भाग भी कर सकते हैं। अब जैसे नीचे दिए गए प्रश्नों को कैलकुलेटर के सहायता से हल करना, जैसे ये है, एक रेलगाड़ी के पास 596 बकरियाँ हैं और 121 भेड़े हैं, तो उसके पास कुल कितनी जानवर है, तो यानी इसका आपको क्या करना है स्टूडेंट, योग कर लेना है। तो आई होप ये बताने की हमें आवश्यकता नहीं है, बट आप ये सब सारे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व कर लेना है, और 6200390793 पे आपको बना करके अपने कॉपी से फोटो खींच करके इसको हमारे व्हाट्सअप कर देना है, और जो भी आपको डाउट लगेगा स्टूडेंट तो आप क्या करेंगे, हमें इस नंबर पर कॉल करके भी पूछ सकते हैं। तो सो स्टूडेंट, तो जो भी हमारे फर्स्ट टाइम है हमारे इस चैनल पे, हमारा जो नया वीडियो देख रहे हैं,
तो उससे हमें अनुरोध है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें और लाइक जरूर करें स्टूडेंट। तो चलिए स्टूडेंट, जितने भी सारे हमारे स्टूडेंट हैं, एवरीवन हैज़ टू रिमेंबर बाय राइटिंग इन देयर कॉपी, सभी को इसको याद करना है, अपनी कॉपी में लिखना है। तो थैंक यू बॉयज़ एंड गर्ल्स, फिर मिलेंगे हम आपके लिए, फिर से एक नया वीडियो लेकर के आएंगे। ओके बाय, थैंक यू।